फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड टू यू इन योर सेकंड अटेम्प्ट आफ्टर योर रिफ्यूजल। अगर आप चैनल पे नए हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड नाउ लेट्स बिगिन। बहुत ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं, बट द मेन रिजेक्शन दैट स्टूडेंट्स गेट इज द 214B रिजेक्शन। मतलब दिस रिजेक्शन बेसिकली मीन्स दैट व्हेन यू फेल टू शो स्ट्रॉन्ग होम कनेक्शंस टू इंडिया दैट्स व्हेन योर वीजा गेट्स रिजेक्टेड। एंड अब आपके जो सेकंड अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट विल बी मेनली फोकसिंग ऑन कंसर्न्स एड्रेसिंग द इनिशियल रिफ्यूजल। तो अब आपको इसी एक पॉइंट को लेके अपने सारे आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। नाउ देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस व्हाई योर वीजा इज रिजेक्टेड। अगर आपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फंड्स नहीं दिखाए हैं, अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का इधर उधर कुछ किया, अगर आपकी DS-160 में कुछ प्रॉब्लम है, सो यही सब की वजह से आपके बहुत सारे रिजेक्शंस आपको मिल सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस हैव यू मेड आफ्टर योर रिफ्यूजल। अब इस केस में अगर आपने यूनिवर्सिटी कोर्स और मेजर चेंज किया है देन आप इस चीज को इस आंसर में इंक्लूड करोगे। ओके एंड नाउ द सैम्पल आंसर। सिंस माय लास्ट एप्लीकेशन आई हैव फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग द कंसर्न्स रेज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस रिफ्यूजल। आई हैव रीवैल्यूएटेड माय एकेडमिक गोल्स एंड मेड नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू माय प्लान इंक्लूडिंग। एंड अब अगर आपने अपनी कोई यूनिवर्सिटी चेंज की है, अपना कोर्स चेंज किया, अपना मेजर चेंज किया, नाउ यू विल पुट दैट थिंग इन दिस फिल इन द ब्लैंक। ठीक है एंड दैट्स हाउ यू प्रिपेयर 2 to 3 सेंटेंसेस एंड यू आर डन। बहुत एक्सप्लेनेशन देने नहीं जाना है, आप बस उसको बोल रहे हो कि आपने कौन कौन से चेंजेस किए हैं आफ्टर योर रिफ्यूजल इन योर एप्लीकेशन, राइट। सो यही सब चीज़ें आप इंक्लूड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वाई योर प्रीवियस वीजा एप्लीकेशन वॉज डिनाइड। Now a very important thing, ye mat bol ke aana that I don't know why my visa was rejected or I don't have any idea about it, because you actually do. Jab aapka visa reject hota hai then the visa officer gives you a slip, mainly jo students hote hai again they get the 214B rejection. So you actually do know why your visa was rejected and jab aap uske upar ek achhi explanation nahi dete ho aapka fir reject ho jata hai. Theek hai, so prepare accordingly and here is the sample answer. My previous application was denied due to, अब यहाँ पे आप अपना explanation दोगे कि क्यों आपका visa reject हुआ था, आपको किस type की rejection मिली थी। Since then, I have taken proactive steps to rectify these issues. Third question, what are your intentions in the United States this time and how does it differ from your previous application? Now this is a question वो पूछ भी सकते हैं नहीं भी पूछ सकते हैं। I'm just giving you कि आप अच्छे से prepare कर लो, है ना। So your answer will be, my intentions remain unchanged to pursue, and now you will say why you are going to USA, to pursue my bachelor's, to pursue my master's, to pursue my second master's, hai na, kuch bhi jo bhi aapko pursue karna hai aap uske liye bologe, like you will show here your academic goal ki aapka is bar bhi aap jo USA ja rahe ho, aapka second attempt hai, third attempt hai, your main intention of going to USA is just to study and get yourself your degree, right? So that's what your answer will be. आपने जो भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है आप वो चीज़ के बारे में बोलोगे, आप उस चीज़ के ऊपर एकदम स्पेसिफिकली पॉइंट करोगे, लाइक अपने करियर गोल्स के बारे में, बेटर स्टैंडिंग ऑफ अ चोजन प्रोग्राम, आपका जो भी प्रोग्राम है आप उसको कैसे और डीपली पढ़ना चाहते हो, अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में, आपको यही सब की पॉइंट्स विच इज़ रिलेटेड टू योर अकेडमिक्स आप इस क्वेश्चन में इंक्लूड करोगे। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, Can you provide additional documentation or evidence to support your application this time? So, आपका आंसर होगा absolutely, I have prepared, and then you will list all the documents जिसमें भी आपने changes किए हैं, आपके financial documents, आपने अगर अपने funds extra दिखाए हैं, let me tell you one thing, America, USA में अभी recession चल रहा है, so there are no jobs, you know, so this country needs money, है ना? तो जब आप अपने फंड्स बहुत ज़्यादा दिखाते हो ना, योर चांसेस ऑफ गेटिंग योर वीज़ा अप्रूव इंक्रीजेस। सो अगर आपका प्रीवियस रिजेक्शन फंड्स की वजह से हुआ है, सो मेक श्योर टू शो प्लेंटी ऑफ फंड्स दिस टाइम, है ना। सो वो सब ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल देता है कि चलो यू हैव मनी टू सस्टेन योर सेल्फ इन अ कंट्री, है ना, टू सपोर्ट योर एजुकेशन इन दिस कंट्री, राइट। सो मेक श्योर टू शो एक्स्ट्रा फंड्स इन योर I-20, इन योर एफिडेविट्स, इन योर बैंक स्टेटमेंट्स, लाइक एनीवेयर, है ना। सो मेक श्योर टू प्रिपेयर दिस थिंग वेरी वेरी प्रिसाइसली। सो दीज वर ऑल द 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन योर सेकेंड अटेम्प्ट आफ्टर योर रिफ्यूजल। सो मेक श्योर टू प्रिपेयर देम अकॉर्डिंगली। एंड वन थिंग, बहुत ऐसे क्वेश्चन है इस रिफ्यूजल से रिलेटेड, मैं सब कुछ अब एक ही वीडियो में नहीं बना सकती, राइट।
मैं और वीडियोस लेके आऊँगी इस रिफ्यूजल एंड सेकेंड अटेम्प्ट रिलेटेड, सो स्टे कनेक्टेड टू मी ताकि आपको अच्छे से पता चले, राइट? एंड दैट्स अबाउट टुडे. वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बट उससे पहले सब्सक्राइब करके जाना. टेक केयर, बाय बाय.